हाय एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स कैसे देख सकते हो। एनालिटिक्स बोले तो आपके मंथली में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, आपकी वीडियो कितना रैंक कर रही है, आपके हफ्ता में कितने व्यूज़ आ रहे हैं यानी कि सप्ताह में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने वीडियो में कितना सब्सक्राइबर बढ़ा है, एक वीडियो से आपको कितना व्यूज़ मिला है, कितना वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, कितना सब्सक्राइबर एक वीडियो से आपका बढ़ा, या फिर आपके 48 घंटे में कितने व्यूज़ आ रहे हैं और आने चाहिए, या फिर आपके एक वीडियो से कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है आपको, आपके चैनल को, सारा कुछ डिटेल आज की इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। उसके लिए हम आपको ले चलेंगे YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर। वहां जाने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल एवं एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग आपको देखने को जरूर मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप YT स्टूडियो ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपको जो शो करेगा डैशबोर्ड, जैसे आप ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखाएगा कि आपके चैनल पर कितना सब्सक्राइबर है, यहाँ पर देख सकते हो, फिर ठीक है। फिर यहाँ पर चैनल एनालिटिक्स दिख रहा है, यहाँ पे जो व्यूज़ है, ये वॉच टाइम है, और ये जो दिख रहा है ना, ये लास्ट 28 दिन के अंदर का दिख रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है 13.4K, यानी कि 13,4 हज़ार, समझ रहे हो, यानी कि लगभग 13,400 व्यूज़ आया है लास्ट 28 दिन में, ठीक है। और ये जो 356 वॉच टाइम है, हावर्स, ये कंप्लीट हुआ कितने दिन में, लास्ट 28 दिन में, ये हमारे चैनल का जो है वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको आपकी 3 से 4 वीडियो दिखेगी, खाली 3 वीडियो दिखेगी, उसके नीचे जो आपको कमेंट आया होगा वो सब दिखेगा, बट इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आपको पूरा देखने के लिए सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, देख रहे हैं, डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट, एनालिटिक्स, कमेंट, अर्न, ठीक है। तो आपको एनालिटिक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बट आपको सिंपल सा मिलेगा क्या, सबसे पहले व्यूज़, उसके बाद आपको मिलेगा वॉच टाइम, उसके बाद मिलेगा सब्सक्राइबर। अब ये जो तीनों मिला, सब्सक्राइबर, व्यूज़, वॉच टाइम, ये तीनों क्या है, लास्ट 28 दिन का है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ से स्क्रॉल करेंगे तो ये जो टॉप कंटेंट, यानी कि आपकी जो सबसे अच्छी वीडियो है, जो सबसे ज़्यादा रैंक कर रही है, यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कौन सी वीडियो लास्ट 28 दिन में सबसे ज़्यादा कौन सी रैंक हुई है, किसमें कितना व्यूज़ आया। यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा वीडियो है, इसमें 3500 व्यूज़ आया लास्ट 28 दिन में, इसमें आया 1900, इसमें आया देख रहे हो 1600, इसमें आया 1600, इसमें आया 1200। तो इस तरीके से ये लास्ट 28 दिन का दिखा रहा है, ठीक है। और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो रियल टाइम जो है 336 व्यूज़ आया है 48 घंटे के अंदर, समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर जो हमारे चैनल का अभी प्रेजेंट में व्यूज़ आ रहा है वो है 336 व्यूज़। तो समझ रहे हो, इस तरीके से एनालिटिक्स चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टेंट पर अगर चलोगे तो कॉन्टेंट पर जैसे जाओगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे अभी मैंने जो आपको दिखाया वो सब यहाँ पर देखो, हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो। अब यहाँ पर देखो जो आपका वीडियो है ना वो ज़्यादातर कैसे लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। देखो, यानी कि किसी का वीडियो ओपन होता है, यहाँ पर दिखा सजेस्टेड वीडियो, यानी कि जो मेरा व्यूज़ आ रहा है लगभग लगभग सजेस्टेड वीडियो, यानी कि किसी वीडियो के नीचे मेरा वीडियो आ जा रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है, 59% ऐसे ही व्यूज़ आ रहा है, समझ रहे हो। ब्राउज फीचर यानी कि YouTube इम्प्रेशन दूसरों के मोबाइल के पास भेजता है हमारा वीडियो, तो कितने लोग क्लिक करते हैं, 27.4% लोग। एक्सटर्नल यानी कि और बाहर से जो लोग आते हैं, जो कहीं गूगल से देख लिए, फेसबुक से देख लिए, लिंक से आ गए, तो वो एक्सटर्नल में कितना, 5.9% आ रहा है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, कंटेंट सजेस्टिंग वीडियो, ये सारे आपके वीडियो आ जाएंगे जो जो भी आपके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और भी जाएंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल साइड, जहाँ पे आप वीडियो पोस्ट करते होगे, शेयर करते होगे, यहाँ पर देख रहे हो मेरा गूगल सर्च से ज़्यादा आता है, व्हाट्सअप से आता है, गूगल गूगल क्रोम से भी आता है, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब सर्च टर, जैसे जैसे आपके वीडियो में व्यूज़ आता जाएगा ना, एक एक चीज़, एक एक मिनट का सारा डिटेल आपको YT स्टूडियो क्लियर करके देगा, ठीक है। अगर आप YT स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी हेल्प करेगा, आपको बहुत ही जो है
सहायता करेगा कि आपको कैसे देखना है। अब और चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ऑडियंस पे चलते हैं, ठीक है। जैसे आप ऑडियंस पे जाओगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो रिटर्निंग व्यूअर्स जो हैं, यानी कि जो हमारा वीडियो लौट कर बार बार देखते हैं, वो कितने लोग हैं, 188 लोग हैं, ठीक है। यूनिक व्यूअर, ये जो 188 व्यूअर हैं, ये कितने दिन के हैं मालूम है, लास्ट 28 दिन के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूनिक व्यूअर, यानी कि जिनको इस चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वीडियो इनके पास गई और इन्होंने वीडियो को देखा, वो कितने लोग हैं, 11.5 की, यानी कि 11,500 लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है लास्ट 28 दिन में हमारे चैनल के अकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट 28 दिन में 135 लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपकी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है, ठीक है, वेन योर व्यूअर्स आर ऑन YouTube, यानी YouTube पे कब आपके जो है एक्टिव होते हैं आपकी ऑडियंस। यहाँ पर देख सकते हो आपकी वीडियो किस एज वाले देख रहे हैं, 13 से 17, 18 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54, 56 से 55 से 64, 65 प्लस, मेल फीमेल, जेंडर भी दिखाएगा, कोरियोग्राफी आपकी कितनी अच्छी है, थंबनेल कितना अच्छा बना रहे हो, टाइटल कितना अच्छा लिख रहे हो, सारा डिटेल यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। ऑडियंस, कॉन्टेंट, ओवरव्यू, उसके बाद इंस्पिरेशन, यानी कि आप किस वीडियो से सीखते हो वो भी यहाँ पर YouTube बताएगा। देख रहे हो मैं जिनका जिनका वीडियो देता हूँ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप। ऐसे ही आपके पास भी आएगा, आप जिससे इंस्पायर होते हैं, यानी कि जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो, सीखते हो जिनकी वीडियो से, वो भी यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ डैशबोर्ड पर जाओगे तो इस तरीके से आप जो है एनालिटिक्स देख सकते हो, लास्ट 28 दिन का, वीकली में रिकैप आएगा यहाँ पर नोटिफिकेशन की तरह। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आएगा रेड कलर का, जब आएगा तो आएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो जो कोई कमेंट करेगा तो भी आता है, यहाँ पर देख सकते हो योर वीकली रिकैप इज रेडी चेक नाउ, जैसे आप चेक करोगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप चेक करोगे ना कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखो मैंने एक सप्ताह में 13 पोस्ट, 6 वीडियो डाले हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्किप करना है और इधर आना है। अब देखो एक सप्ताह में मेरा जो है 3.1K, यानी 3100 लोगों ने देखा, इतने लोगों के बीच में ये वीडियो रहा, इतने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। उसके बाद यहाँ पर देखा हियर्स हाउ पीपल फाउंड यू, ठीक है, यूट्यूब होम ये बता रहा है कि कैसे कैसे आपके वीडियो को प्राप्त किया गया लोगों द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपका वीडियो ज़्यादातर ट्रेंड कर रहा है वो भी बताएगा, और यहाँ पर देख सकते हो कितने लाइक, कितने शेयर आपने किया, कितना कमेंट आया आपके वीडियो में, सब कुछ बताएगा वीकली में, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट्स प्ले ए गेम, हाउ मेनी टाइम वेयर योर वीडियो लाइक दिस वीक, यानी कि आप अपने चैनल का कितना ध्यान रखते हो, यहाँ पर उसका अनुभव ये मांग रहा है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रखोगे तो आप गेस कर ले जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे गेस करता हूँ तो 104, ठीक है, देखिए ये मेरा 104 सही हो गया, ठीक है, तो 104 जो है मेरे सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फिर नेक्स्ट वीक में आएगा, आप जैसे जैसे काम करते रहोगे ना तो बार बार आता रहेगा, जैसे एक हफ्ता पूरा होगा वैसे आ जाएगा। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर अर्निंग भी देख सकते हो, कितना घंटा आपका पूरा हुआ, अगर आपका चैनल मोनेटाइज रहेगा तो यहाँ पर आपको अर्निंग भी दिखेगी, कितना आपके चैनल का रिवेन्यू है। तो इस तरीके से आप अपने YT स्टूडियो से अपने YouTube चैनल का जो है एनालिटिक्स देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल का एनालिटिक्स देख सकते हो YT स्टूडियो में। देखिए बहुत सारे लोग YouTube स्टूडियो यूज़ करते हैं बट अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया तो 100% आप YT स्टूडियो को बेहतरीन तरीके से चलाना भी सीख गए होंगे और काफ़ी सारी जानकारी भी आपके पास एकत्रित हो गई होगी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हो। आप हमें अनदर सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।